तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं कि वो जल्द ही राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। टीआरएस मुखिया द्वारा पहले के ऐलान के अनुसार वे विजयदशमी के मौके पर एक राष्ट्रीय पार्टी का शुभारंभ कर सकते हैं। वहीं इससे एक दिन पहले यानी आज टीआरएस नेता राजनाला श्रीहरि ने एक गजब काम किया है। दरअसल तेलंगाना के सीएम केसी राव द्वारा कल वारंगल में एक राष्ट्रीय पार्टी शुरू करने से पहले टीआरएस नेता राजनाला श्रीहरि ने स्थानीय लोगों को शराब की बोतलें और मुर्गे बांटे हैं। उनका ये कदम चर्चा का विषय बना हुआ है। टीआरएस पार्टी की आम सभा की बैठक दशहरा 5 अक्टूबर को तेलंगाना भवन में होगी। सोमवार को के चंद्रशेखर राव के कार्यालय से एक आधिकारिक विज्ञापित में ये जानकारी दी गई। हालांकि विज्ञापित में एजेंडे के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि टीआरएस अध्यक्ष केसीआर राष्ट्रीय राजनीति को लेकर अपने दृष्टिकोण को लोगों के सामने रख सकते हैं और अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या आखिर राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान शराब और मुर्गे के साथ किया जाता है? लेकिन नेताजी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि नेताजी बिना कुछ सोचे समझे कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए धबाधब मुर्गे पकड़ते जा रहे हैं और तस्वीर खिंचवाते जा रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि जनता ही समझे, अगर एक राष्ट्रीय पार्टी की शुरुआत ही शराब के नशे से हो रही है तो वो देश के हित में कितना काम करेगी। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।